बड़हलगंज गोरखपुर नेशनल इंटरमीडिएट कॉलेज के खेल मैदान में चल रहे ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मैच में सोमवार को कोलकाता ने रोमांचकारी मुकाबले में नेपाल को 2-0 से हराकर ट्रॉफी पर जब्त कब्जा जमा लिया। मैच में इस कदर भीड़ उमड़ी कि मैदान भी छोटा पड़ गया। विजेता टीम और खिलाड़ियों में ट्रॉफी व अन्य पुरस्कार का वितरण किया गया है। बता दें कि 1 जनवरी से नेशनल स्पोर्टिंग क्लब के तत्वाधान में चल रहे ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला अभिषेक दास फुटबॉल क्लब कोलकाता व नेपाल किशनगंज के बीच हुआ। दोनों हाफ में दोनों टीम एक भी गोल नहीं कर सकी, जिसके बाद दोनों टीमों को 10-10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया। खेल के अंत में कोलकाता के खिलाड़ी सनी ने नेपाल के खिलाफ लगातार 2 गोल कर टीम को 2-0 से जता दिया। निर्णायक मकसूद आलम, प्रभात मिश्र, रहमतुल्ला, विशाल कुमार, अजय राणा व विनय कुमार राय, कमेटी नरेंद्र प्रताप उर्फ मुन्ना शाही व वीरेंद्र कुमार और संचालन अशोक जायसवाल ने किया। मुख्य अतिथि एसआर डिग्री कॉलेज बांसपार गजपुर के प्रबंधक व उद्योगपति अनिल सिंह ने विजेता व विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान किया। के लिए क्या सलाह? सलाह कुछ नहीं है, हम लोग पूरा प्रिपेयर होकर आए थे, हम लोग मैच जीतना ही है। और मैं मेरा टीम के ऊपर बहुत विश्वास करता है, कोई भी खेले, कोई बुरा बच्चा खेले या सीनियर टीम खेले, तो मैं पूरा अपना प्लेयर को बहुत विश्वास करता है। तो हम लोग बहुत खुशी है, हम लोग ने गोल मारा लास्ट खत्म तक, हम लोग ने गिव अप नहीं किया और हम लोग ने लास्ट में जीत। इंडियन सुपर लीग का मैच, इतने बड़े स्तर का मैच खेलने के बाद आज ग्रामीणांचल का ये कहा जाएगा कि नेशनल स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा एक प्रयास किया गया और आप लोगों को यहाँ पर बुला करके इतने बड़े ग्राउंड पर आप लोगों को खेलने का मौका दिया गया है, इन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? खेलो और अच्छे से, सब बच्चे को बोलना चाहते हैं आगे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी भी आएगा, तो मैं चाहता हूँ सब अच्छे से खेलें। आप एक लंबे समय से आप लोग यहाँ पर मैच, 8 दिनों का मैच आप लोग यहाँ पर खेले और कमेटी ने आप लोगों के लिए सारी व्यवस्थाएं की, क्या लगा कि अदर जगहों के कंपैरिजन इस ग्रामीण अंचल में आपको व्यवस्थाएं और फील्ड कैसी मिली? नहीं, ये तो हमारे लिए मतलब ये शोभिकदा और सन्नी भैया ये एकमात्र मतलब कहीं पे खेल लेने जाते हैं, ये नेशनल स्पोर्टिंग क्लब की इतनी अच्छी व्यवस्था है, देख रेख है, खान पीन कुछ भी बोलिए, मतलब रात को 1 बजे भी सन्नी भैया को इधर चोट लगा था हम लोग का क्वार्टर फाइनल गेम में, हम लोगों ने कमेटी को एक बार बोला तो रात को 1 बजे बर्फ ला के दिए, तो इसलिए मतलब यहाँ की जो व्यवस्था है जितनी तारीफ की जाए वो कम है। क्या लग रहा है कि इतनी बड़ी सफलता इंडियन सुपर लीग जैसे खिलाड़ियों को बुला करके यहाँ पर प्ले कराने के बावजूद और इतनी अच्छी सफलता पूर्वक कार्यक्रम कराने के बाद में अपने आप को कैसा लग रहा है? विपिन जी, पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा आपके चैनल को और आपको स्वयं कि आप जो है जब से कार्यक्रम हो रहा है इसका कवरेज कर रहे हैं, अब शब्द ही नहीं कि मैं क्या बोलूँ, बस इतना कहना चाहूँगा कि एक इतिहास रचा गया है बड़हलगंज की धरती पर। सबसे बड़ी चीज़ हमारी सबसे बड़ी प्रसन्नता संतुष्टि ये होती है कि मेरा एक एक प्लेयर संतुष्ट होके जाए, और उसका नमूना देखिए आपने इंटरव्यू लिया है हमारे खिलाड़ी भाइयों से, जिस तरह से इन्होंने बताया कि हम लोग जो है खाने की जो व्यवस्था है वो मतलब समझ लीजिए कि एकदम उच्च व्यवस्था किए हैं, जिसमें जो जिसको जो मन करे खाए, जो जिसका डिमांड उसके हिसाब से उसको जो है हम लोगों ने भोजन की व्यवस्था किया, रहने की व्यवस्था किया, उनको सारी सुविधाएँ हमने दी। क्या लग रहा आने वाले समय में इससे बेहतर और क्या हो सकता है? इससे बेहतर हो सकता है कि हमारा जो अभी तो हम जो है पूरे, हमको नहीं लग रहा कि पूर्वांचल में इतना बड़ा कहीं फुटबॉल प्रतियोगिता हुआ होगा, धीरे धीरे मैं प्रदेश स्तर तक हम लोग जो कि हनक जाएगी और आने वाले समय में बता रहा हूँ बड़हलगंज जो है फुटबॉल के इतिहास, अरे फुटबॉल के क्षेत्र में एक इतिहास रचेगा और बड़हलगंज की एक टीम बनेगी। हमारा सपना है, हमारी पूरी कमेटी का वही सपना है कि बड़हलगंज की एक ऐसी टीम बने कि जो वैश्विक स्तर पर जाके खेल के आए और विजयी हो के आए, और उसका श्री गणेश इस बड़हलगंज की धारा से हो चुका है। जीत या हार किसी को होती है, जीतने वाला अपने आप को और अगले कदम के लिए बढ़ाता है और हारने वाला एक सीख लेता है कि हम आने वाले समय में क्या लेंगे। हमारे साथ में पूर्व अध्यक्ष नेशनल स्पोर्टिंग क्लब के इम्तियाज अहमद जी हैं। सर, एक बड़ा अनुभव आपके साथ में है खिलाड़ियों को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? हम यही कहना चाहेंगे चूँकि इस साल का जो टूर्नामेंट हो रहा है, जितनी अच्छी टीमें आई हैं, जैसे आज ये 5 साल से टूर्नामेंट हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा स्तर कम था, लेकिन सारे लोगों ने मिलकर के ये फैसला लिया कि कलकत्ते की टीम आ गई है, आपके वहाँ देखिए जम्मू कश्मीर की टीम आ गई है, नेपाल की टीम आ गई है, उधर केरला की टीम आ गई है, तो इस तरह का टूर्नामेंट इस समय पूरे प्रदेश में कहीं नहीं हो रहा है। आज चीफ गेस्ट लोग लखनऊ के आए थे, यहाँ बुलाया गया था, आए थे तो उन्होंने कहा कि हमारे लखनऊ में भी इस तरह का टूर्नामेंट, इस तरह का भीड़, इस तरह की इंतज़ाम व्यवस्था कहीं नहीं है। जैसे हमारे खिलाड़ी लोग कह रहे हैं कि भाई खाने पीने रहने के लिए जो व्यवस्था है
तो ये सही है कि पूरे प्रदेश में इस तरह की व्यवस्था कहीं नहीं है, और हो सकता है आने वाले दिनों में इससे और बेहतर व्यवस्था, ऐसे और बढ़िया टूर्नामेंट, चूँकि ये इस क्लब को बड़े सौभाग्य की बात है कि इस क्लब को बने हुए 50 वर्ष हो गए, और जहाँ तक मेरी बात है मैं 50 वर्ष से इस क्लब से जुड़ा हुआ हूँ, आज तक जुड़ा हुआ हूँ, और जो टूर्नामेंट हो रहा है नेशनल स्पोर्टिंग क्लब के नाम से, तो मुझे बहुत गौरव महसूस हो रहा है कि एक मिशन था, उस मिशन को आने वाले जनरेशन में ये लोग नई पीढ़ी के अमित बचिश त्रिपाठी हैं, इन लोगों के सहयोग से मेहनत से ये टूर्नामेंट परवान चढ़ रहा है, तो मुझे इससे बेहतर खुशी और क्या हो सकती है। 50 वर्ष पूर्ण किए हुए इस कमेटी को आज ये कहना है कि करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान, प्रयास करते रहेंगे तो सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। अपने सहयोगी सरफराज अहमद के साथ में विपिन त्रिपाठी, KPPN न्यूज़ गोरखपुर। धन्यवाद।